हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कट ऑफ के बारे में, और दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों यहां पर आज हम फिलोसफी है, म्यूजिकल वोकल है, और पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो पर केवल और केवल अनुमान के आधार पर ही बताया जाएगा कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ये पिछले एग्जाम के आधार पर होगी कि इस बार कितनी जा सकती है। और कई दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने नंबर ये बोलते हैं कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं और इतने पे कट ऑफ जाएगी कमेंट में, तो दोस्तों उस पर आपको कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी उसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। सटीक जो कट ऑफ है वो बोर्ड ही बताएगा, और कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अपने नंबर को जो है बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो दोस्तों अब जो वीडियो है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो म्यूजिकल वोकल है उसके ऑफिशियल जो पोस्ट हैं 2023 की, इस बार की वो बता रही है कि यानी कि इस बार यहाँ पर 12 पोस्टें आई थी। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2020 में जो म्यूजिकल वोकल है उसकी 3 पोस्टें आई थी, फिलोसफी की 2 पोस्टें आई थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर 6 पोस्टें पिछली बार आई थी यानी कि 2020 में। और इस साल अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर फिलोसफी में 11 पोस्टें आई है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 45 पोस्टें आई है, और म्यूजिकल वोकल की मैंने आपको सबसे पहले बता दी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फिलोसफी के रिजल्ट की। तो दोस्तों जो फिलोसफी का रिजल्ट है वो ऑफिशियल रिजल्ट है पिछली बार का आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, लगभग 6 कैंडिडेट को ऑफिशियली रूप से पास किया गया था इंटरव्यू के लिए। दोस्तों यहाँ पर पिछली बार 2020 में 2 पोस्टें थी, और उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को पास किया था, यानी कि 6 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया था। इस बार दोस्तों आप देख सकते हो 2023 में 11 पोस्टें आई है फिलोसफी के लिए, और 3 गुना को अगर पास करते हैं तो लगभग 33 कैंडिडेट यानी कि 33 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब दोस्तों जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछली बार केवल जनरल की कट ऑफ गई थी 101.34 पे, ये 200 में से कट ऑफ है, और जो पीएच कैटेगरी है उसमें 19.27 पे जो कट ऑफ है वो गई थी। इस बार दोस्तों यहाँ पर जो जनरल ओबीसी वगैरह है इन सभी की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार जो पोस्टें हैं वो 11 पोस्टें हैं। तो इस बार जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो एससी एसटी है सभी की कैटेगरियों का यहाँ पर बंटवारा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल की जो कट ऑफ है इस बार वो दोस्तों आपकी 95 के करीब रहने वाली है। आप +2 या -1 इसमें कर सकते हो। और ओबीसी का जो कट ऑफ है यहाँ पर वो दोस्तों 92 से लेकर के 94 तक यहाँ पर ओबीसी का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर जनरल के करीब रहेगा, और जो एससी एसटी है उनका भी लगभग 92 के करीब यहाँ पर रहने वाला है। ये था दोस्तों फिलोसफी का। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूजिकल वोकल की। और दोस्तों म्यूजिकल वोकल में अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों जो है पिछली बार 9 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि दोस्तों 3 पोस्टों के लिए 3 गुना कैंडिडेट को पास किया था, जिसमें 9 कैंडिडेट बनते हैं। और अगर बात करते हैं इस बार की 2023 की, तो दोस्तों यहाँ पर अब की बार 12 पोस्टें हैं, और अगर 3 गुना को बुलाते हैं तो लगभग 36 कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, यानी कि दोस्तों लगभग 36 कैंडिडेट इंटरव्यू में यहाँ पर लगभग आने वाले हैं। और जो कट ऑफ है दोस्तों वो पिछली बार जनरल का 111.45 पे गया था, और दोस्तों यहाँ भी इस बार जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो कट ऑफ है, एमबीसी की, ये सारी कट ऑफ इस बार जारी होंगी। पिछली बार पोस्टें कम थी इसीलिए केवल जनरल की कट ऑफ रही थी, और ये जो कट ऑफ है इस बार दोस्तों जनरल की कट ऑफ वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 100 के करीब रहेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 95 से लेकर के जो 98 है उसके करीब रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की भी यही रहेगी। और साथ ही दोस्तों जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनकी दोस्तों यहाँ पर जो है 92 से लेकर के 94 तक जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और दोस्तों जो एमबीसी कैटेगरी है उसमें आपको ये 93 से लेकर के 94 तक ये एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पिछली बार 32 कैंडिडेट को पास किया गया था इंटरव्यू के लिए, 6 पोस्टें थी, यानी कि 5.33 गुना कैंडिडेट को बुलाया था, यानी कि 32 कैंडिडेट। इस बार देखा जाए दोस्तों तो लगभग 45 पोस्टें हैं, और अगर 5 गुना को पास करते हैं तो 225 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों 200 से लेकर के 250 तक यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं इस बार। यहाँ पर दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों कट ऑफ जो है जनरल का पिछली बार 120 गया था, और जो फीमेल है उसका 116 गया था, ओबीसी का यहाँ पर 120 गया था जनरल, और पीएच कैटेगरी का आप देख सकते हो कितना कम कट ऑफ था, ये 200 में से है। दोस्तों इस बार जो जनरल का कट ऑफ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि लगभग 110 के करीब जो है आपका जनरल का कट ऑफ रहेगा, और जो फीमेल का है दोस्तों वो आपका यहाँ पर रहेगा 105 से लेकर के 108 के बीच में ये फीमेल का रहेगा। और इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी। कई दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि अब की बार जो है कट ऑफ पिछली बार के बराबर रहेगी या ज़्यादा जाएगी। दोस्तों ज़्यादा नहीं जाएगी, ये केवल अपन को लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। पिछली बार दोस्तों कई सब्जेक्ट में ऐसा हुआ था कि कई ऐसे कैंडिडेट थे
जो इंटरव्यू भी उन्होंने पास कर लिया था लेकिन उनको जॉइनिंग नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा नहीं था और उनको बाहर करना पड़ा अंत में, और उसकी कई सारी लिस्टें जो है बाद में जो है वापस से जारी की गई थी इंटरव्यू की। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, और जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, जो मैंने बताई है उसके बराबर या उससे कम ही जाने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।